नैनीताल डीएसबी परिसर में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसको लेकर अध्यक्षता छात्र कल्याण बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शासन द्वारा चुनाव की तैयारी को लेकर बात की गई। वहीं कल छात्र संघ, संभावित उम्मीदवार, पुलिस और प्रशासन की बैठक बुलाई गई है। प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में संपन्न होंगे। इसी प्रक्रिया में डीएसबी परिसर में बैठकों का दौर जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और छात्र संघ के संभावित प्रत्याशियों के साथ में मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों को टाइम टेबल दिया जाएगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। निर्णय के मुताबिक 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में संपन्न होने, इसी की प्रक्रिया में डीएसबी परिसर में लगातार बैठकें की जा रही हैं और अधिष्ठाता छात्र कल्याण के नेतृत्व में कई मीटिंगें की जा रही हैं, जिनमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन और छात्र संघ के साथ और छात्र जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी और समय के जो अनुसार होगा उसके अनुसार उनका जो टाइम टेबल है उसे दिया जाएगा और निर्वाचन जो पूरी अधिसूचना है वो जारी की जाएगी और क्रमबद्ध तरीके से 7 तारीख को संपन्न होंगे।